कपास दिया क्या? भूसा तो नहीं भर लाया? देख ले। धीरे बोल, जोखिम का धंधा है, अब कौन तोलेगा, कौन देखेगा, कौन तोलेगा? 50 रुपए ले ले, डाल दे। जा जा, कोई चोरी का माल नहीं है, कपास मेरी है। 5 तोले कंगन की जोड़ी लूंगा, तेरे पास है तो दे दे। बात सुन, इधर आ, बात सुन। कंगन की जोड़ी है, 4.5 तोले के सोने के कंगन है, ये 25 रुपए गिन लो। ये सोने के कंगन मेरी माँ पहनेगी। ये कंगन 4.5 तोले के हैं? हाँ, 4.5 तोले के हैं। चोरी जगारी का धंधा हमारे यहाँ नहीं होता, लाला सूखी लाल क्या होता है। चल चल, चलो चलो, निकल जाओ। देख लल्लू, अगर इसमें जरा भी खोट निकली तो ये बंदूक तेरे पेट में डाल दूंगा। हाँ हाँ, डाल देना, अंधेरे अंधेरे निकल जा। ए, मेरे रुपए निकाल। रुपये? हाँ हाँ, 25 रुपए। अभी रुपये था। क्या करता, मुझे छोड़। किनारे पीपल के पेड़ के नीचे भगवान की लीला देख रहा था। भगवान की लीला देख रहा था? हाँ माँ, वहाँ एक महान साधु आए हैं, जटाधारी आलक रंजन, इतने लंबे लंबे बाल उनके, और माँ उनकी तपस्या, सारी सारी रात एक कील के ऊपर सर के बल यूं कर। अरे अरे, क्या कहता है? अरे ओ, 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 सांस तक नहीं लेते माँ। तू सीधा तो महाराज मुझ पे खुश हो गए। हाँ? बोले फिर जो बच्चा मांग क्या मांगता है? मांगा महाराज, हम कुछ मांगता मांगता नहीं, अगर देता है तो मेरी माँ के लिए सोने के 2 मोटे मोटे कंगन दे दे। आवाज आई, आंख बंद कर बच्चा। तू भी आंख बंद कर मां। आलख नरंजन, आंखें खोलो मां। अरे पर तूने सोने के कंगन क्यों मांगे? तुमने अपने बापू का पता क्यों नहीं पूछा? ये क्यों नहीं कहा कि वो कब आएंगे? चल बेटा चल चल, मुझे अभी ले चल साधु महाराज के पास। मां बात ये है कि मैं बापू के बारे में पूछने ही वाला था। कंगन से जू ही मेरी हाथ हटी तो क्या देखता हूँ कि ना वहां साधु जी महाराज, ना पीपल का पेड़, ना तू फिक्र करवा दू, फिक्र जू ही साधु जी वापस आएंगे, मैं फौरन तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। हाँ, तुम उनसे मिलना, बापू के बारे में जो कुछ पूछना है पूछ लेना। हाँ माँ, देखो माँ ये कंगन कितने अच्छे लगते हैं तुमको। ओ हो माँ, कंगन कंगन रामू, रामू देख देख, बिरजू मेरे लिए सच्चे सोने के कंगन लाया है साधु महाराज की लीला से। माँ ये साधु महाराज की लीला नहीं, तेरे बिरजू महाराज की लीला है। क्या बोलता है? क्यों बिरजू महाराज, ये लीला भी दिखाना शुरू कर दी? अरे अरे अरे, घर में आते ही झगड़ा शुरू कर दिया। आखिर बात क्या है मुझे तो बता। माँ ये तेरा बिरजू चोर है, मुझसे ऐसी वैसी बात मत कर। माँ मैं चोर हूँ? कोई मेरे सामने तो आके कहे मेरा बिरजू चोर है? नहीं नहीं, तुम्हारा बिरजू तो बड़ा साहूकार है, सोने का कंगन लाकर मैं पहनाता है तुम्हें राधा। राधा बहन बोलो। वो तो मैं दिल से मानता हूँ राधा देवी, तुम्हारा मुंह देखकर मैंने रपट नहीं लिखाई, नहीं तो 2-2 साक्षियां मौजूद है, सारी फसल चुरा के ले गया तुम्हारा लड़का, तब ये कंगन पहन के बैठी हो, समझी? ये अंधेर है, मैं कहता हूँ मेरे हिस्से के सब पैसे सीधे से धर दो, नहीं तो घर भर को बंधवा दूंगा। अरे जा जा, लिखा रपट, फसल मेरी थी मैं ले गया,
चोर मैं नहीं हूं, चोर है तू। 15 साल से मेरी माँ को ठग रहा है। हाँ हाँ, मैं चोर, मेरा बाप चोर, मेरी मूछ नीची। लेकिन बेटा जी, जब 1.5 लाख की हवेली में चक्की पीसोगे तब मालूम पड़ेगा, समझे? मैं जा रहा हूँ। राधा देवी, फिर पीछे कुछ नहीं कहना। कह रहे लाला, क्या पुलिस कचहरी कुछ नहीं होगी, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। बिरजू तो पागल है लाला। माँ दे दे कंगन। माँ कंगन नहीं उठाएंगे। मुझे चोरी की कंगन पहनाता है, तू चोरी करता है, अभी मुझे झूठ बोलता है, मुझे झूठ बोला दे। मुझे नहीं चाहिए तेरे कंगन, मुझे नहीं पहनना तेरे कंगन, छोड़ दे मेरा हाथ, रम मेरा हाथ जुड़ाए। छोड़ दे बिरजू, मत बोल बिरजू, छोड़ दे बिरजू, छोड़ दे बिरजू। ये ले, ये भी तेरे बाप के हैं, इनको अपनी बेटी के जहेज में देना। अरे लक्ष्मी है बिरजू, लक्ष्मी है। इन पैसों से अपनी अर्थ उठवाना, गधा है जो आज से काम करे। श्री राम भजो सब।